Audio Jungle. नमस्कार, मैं सुष्मिता विश्वास स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर है मंडला से, जहां नैनपुर रेलवे पुलिस ने बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज के निर्माण के लिए समनापुर लामता के बीच बिछाने के लिए लाई गई पटरियां 6-7 महीने पहले चोरी हो गई थी। जब रेलवे को इसकी भनक लगी तो जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के RPF टीम ने तहकीकात शुरू की तो रेलवे पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपयों की रेल पटरी चुराने वाले गिरोह के सरगना सहित 14 चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना विनोद मराठा अपने साथियों सहित रेल पटरियां चुराकर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को बेचा करता था। आरोपी रेल पटरियों की चोरी बालाघाट मंडला के बीच चल रहे ब्रॉडगेज रेल पथ निर्माण स्थल से चोरी करते थे और छत्तीसगढ़ में बेचा करते थे। मेरा नाम है चैनल, हमारे बगल में साहब बैठे हैं श्री एन के सिंह। ये दिनांक 22/2020 को वरिष्ठ अनुभाग अभियंता रेल पथ निर्माण के द्वारा बालाघाट हमारी चौकी में एक लिखित सूचना दी गई थी कि समनापुर लामता के बीच से जो नव निर्माणाधीन रेल पथ रेल लाइन बनने वाली है, वहाँ से रेल पातों को उनके द्वारा डंप करवाया गया था। रेल पाते गायब हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना की पुष्टि होने पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मंडल स्तर और जोन स्तर पर कई टास्क टीमें अपराधियों की पता साझा गिरफ्तारी घायल माल की बरामदगी हेतु कई टीमें गठित की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। देखिए, हमारी जांच में मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे लीड कर रहे थे और उनकी लीडरशिप में 4 टीमें बनाई गई, जिसमें नागपुर मंडल की टीम, रायपुर मंडल की टीम, बिलासपुर मंडल की टीम और गोंदिया की टास्क टीम शामिल थी। इसमें कुल 9 इंस्पेक्टर शामिल थे, जिसमें HR यादव साहब पहले जांच अधिकारी थे, उसके बाद में जांच फिर डोंगरगढ़ के इंस्पेक्टर राजीव कुमार यादव साहब, BK चौधरी साहब, ML यादव साहब, SK यादव साहब, SK वर्मा साहब, S दत्ता साहब जो हमारे क्राइम ब्रांच के S दत्ता साहब हैं गोंदिया के, भी इसमें शामिल थे। और भी टीमों के बहुत सारे, विकास कुमार क्राइम ब्रांच नागपुर के विकास कुमार थे और भी बहुत सी टीमों के इंस्पेक्टर थे जो लीड कर रहे थे और टोटल बल सदस्य कुल मिला के 30 बल सदस्यों को लगाया गया था। और आखिरकार हमने इस मामले को 5 दिनों के अंदर सॉल्व कर दिया। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।